इतना मुश्किल नहीं है, मोबाइल का डिस्प्ले फोल्डर लगा। ओके, ये मुश्किल है। देखिए ये डिस्प्ले है, ये मैंने मार्केट से परचेज करके लाया हूँ, मेरे सिटी में नहीं मिलता है। वीडियो को देखिए, फोल्डर कैसे लगाते हैं और एंड तक देखिए। मैं संतोष कुमार, स्वागत है आप लोगों को ज्ञान टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज वीडियो का टॉपिक है कि सैमसंग मोबाइल में फोल्डर लगाना है। तो आप लोगों को मैं 3 ट्रिक में बताऊंगा। तो पहला ट्रिक, सबसे पहले टेबल में अलाइन कर लेना है जहाँ आप लोग रिपेयरिंग करते हैं। उसके बाद मोबाइल लेके, उसके बाद चारों तरफ जो कॉर्नर फेस है वो कॉर्नर साइड को जो डार्क पार्टिकल गोंद वगैरह है तो उसे साफ़ कर देना है बिल्कुल अच्छी तरह से। एक ज़रा सा भी गोंद नहीं लगा हुआ रहना चाहिए। अगर ये गोंद लगी हुई रहेगी तो बाद में ये डिस्प्ले में प्रॉब्लम करती है बैठने में। तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, तो देख लीजिए आप लोग और ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगी। तो देखिए, मैं अच्छी तरह से ये जो पार्टिकल्स लगी हुई है, ये गोंद पहले पुरानी गोंद जो लगी हुई थी तो वो सूख चुकी है, तो इससे डिस्प्ले बैठने में अच्छी तरह से ये नहीं बैठ पाती है और कंप्लेन भी आती है। इसलिए आप लोग बढ़िया से आप लोग पूरा देखिए, एक ज़रा सा गोंद इसमें नहीं लगा हुआ रहना चाहिए। अगर ये गोंद हल्का सा भी टूट जाने के कारण ये डिस्प्ले में बैठने में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण ये डिस्प्ले अगर नहीं बैठ पाएगी तो टच अच्छा तरह से वर्क नहीं कर पाएगी। उसके लिए कॉर्नर में किसी भी तरह से पेस्ट, कोई धूल पार्टिकल कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा क्लीन होनी चाहिए। तो मैं इसे सबसे पहले मैं साफ़ कर दे रहा हूँ, तो देख सकते हैं इसे क्लीन पूरा अच्छी तरह से। एक ज़रा सा गोंद भी मैं नहीं रहने दूंगा, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगा। तो आप लोग जो ट्रिक से आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सीख जाइएगा एक ही वीडियो में। तो देखिए, ये चारों तरफ का कॉर्नर जो लग कॉर्नर में जो पेस्ट लगी हुई पार्टिकल, मैं उसे अच्छी तरह से मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। एक भी ज़रा सा मैं गोंद इसमें रहने नहीं दूंगा, बिल्कुल फ्रेश तरीक़े से मैं खोल दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ पार्टिकल्स, जितना भी सारा इसमें गोंद वगैरह जो भी ये लगी हुई है पूरा क्लीनिंग करके। उसके बाद देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग हो रही है, और इसमें ट्वीजर ओपनर जो भी मिले उसे अच्छी तरह से क्लीन कर देना है, पूरा घिस घिस के क्लीन करना है, अच्छी तरह से फ्रेश करना है, और एक भी ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए। मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग करना है, इसको सोच समझ के ही डिस्प्ले लगाया जाता है। तो मैंने भी बहुत ही पैसा बर्बाद कर चुका हूँ, जो मैं मार्केट से नुकसान मेरा भी गया है। तो मैं सीखते सीखते मैं इसे एक्चुअल में लगा पा रहा हूँ। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए, इसीलिए ये आप लोग भी एक ही वीडियो में आप लोग भी क्लियर हो जाइएगा। तो देखिए, ये फाइनली ये बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लीन हो चुकी है, तो उसके बाद ये रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं। ये जहाँ जहाँ आप लोगों को दिख जाए तो वो जितना भी पार्टिकल्स वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर देना है, बचने नहीं देना है, पूरा एकदम फ्रेश रहना है। तो देखिए, जिमटा मतलब क्लीनिंग चलना चाहिए पूरा एकदम सीधा फ्रेश पूरा। तो ये दूसरा स्टेप के लिए फ़ोन रेडी हो चुकी है। दूसरा ट्रिक से क्या करना है कि कहीं देखना है कि छुट्टी तो नहीं, उसके बाद उसमें चारों तरफ से गोंद लगा देना। तो देख सकते हैं इसमें मैंने गोंद इसे चारों तरफ से मैं बिल्कुल बारीकी से मैं लगाऊंगा, और गोंद ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर में अच्छी तरह से ये गोंद लगनी चाहिए, ये नहीं तो फिर बाद में सैमसंग का फ़ोन है, कंप्लेन तो आती ही है, तो ऐसा ना हो कि कंप्लेन आए, इसलिए बिल्कुल बारीकी से काम करना है और ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसमें देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ ये इसमें ग्राफिक जो बनाती है वो साइड की है, तो इसमें लेंस डैमेज ना हो इसलिए इसमें कम गोंद डालना है, यहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए गोंद, नहीं तो लेंस डैमेज होने के कारण फोन डिस्प्ले में लाइनिंग अभी आ सकती है। तो ये देखिए, बिल्कुल ऑलरेडी इसमें लग चुकी, अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें बैठा देना है। तो पहले कनेक्टर को खपा देना है, उसके बाद कनेक्टर को बराबर तरीके से खपाना है, और नहीं तो हड़बड़ा के खपाइएगा तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि इसमें कनेक्टर घसक घुसक जाती है, पिन में प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए, इसे पूरा अच्छी तरह से पूरा अलाइन करके बराबर तरीक़े से बैठाना है कि ताकि ये इसमें डिस्प्ले में ये देखिए कहीं आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ये बैठनी चाहिए। उसके बाद तीसरा ट्रिक,
बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसके बाद इसमें रबड़ मार देना है और दो ही फेरे मारना है रबड़, नहीं तो फोल्डर टूट भी सकती है। तो देखिए मैं दो ही फेरे में मार रहा हूँ और ज़्यादा जोर नहीं डालना, नहीं तो फोल्डर टूटने में प्रेस मतलब टूट भी सकती है तो नुकसान इससे में चल जाएगी। तो वैसा नुकसान नहीं करते हुए काम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करना है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से ये दोनों साइड का रबड़ मैंने बैठा दिया। थोड़ा जो बीच बीच का है तो मैं बीच वाला भी रबड़ मार दे रहा हूँ। देखिए ये दो फेरा ही मैं इसे बीच में भी दूंगा। उसके बाद ये तीन ही रबड़ में काम निकल गई। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ये बैठ चुकी है और ये क्लियर हो चुकी है। उसके बाद ऑन करके टेस्टिंग करके देख लेना है। तो ये सभी क्लियर हो चुकी, उसके बाद इसमें क्या करना है कि इसको फाइनली इसे ऑन करके देख लेते हैं। उसके बाद इसको टेस्टेड करेंगे कि ये कितने अच्छी तरह से वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो फाइनली इसे मैं ऑन कर लिया हूँ। उसके बाद टच वर्क करके देखते हैं टच अच्छी तरह से वर्क कर रही है नहीं। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका से ये क्लियर हो चुकी और देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।